चलिए खबरों में बात करते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। बहरोड सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कबाड़ व्यवसाय हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों पैसों को लेकर कबाड़ व्यवसाय की हत्या कर सड़क किनारे कार में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम भी किया था। वहीं इस मामले में कई दिनों बाद पुलिस ने नरेंद्र जाट को गिरफ्तार किया है, जो फौलादपुर थाना शाजापुर का रहने वाला है। वहीं इस मामले में पुलिस बचे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर राजस्थान के मुंडावर क्षेत्र के गांव बहरोज में बांध में बिजली का तार टूटने से 5 भैंसों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बांध के ऊपर से गुजरा तार अचानक टूटकर पानी में गिर गया। इस दौरान पानी में मवेशी थे और उनकी करंट लगने से मौत हो गई। कहीं भैंस के मरने से पशुपालक का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं एक साथ 5 मवेशियों की मौत हो जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित पशुपालक को उचित मुआवजे देने की मांग की है।